सीपू सिंह हाई प्रोफाइल मर्डर में अभियुक्त कुंटू सिंह गैंग के एक सदस्य के ईंट भट्टा सहित 40 लाख की संपत्ति जब्त। आजमगढ़ जनपद के हाई प्रोफाइल चर्चित सीपू सिंह पूर्व विधायक हत्याकांड में दूसरे दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले से संबंधित एक और अभियुक्त के लाखों की भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। प्रदेश के टॉप 10 अपराधी डी 11 गैंग के सरगना ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह के सहयोगी संग्राम सिंह की जमीन कुर्क की गई। इसके एक दिन पूर्व बुधवार को दो अभियुक्तों के घर भी पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिपू की 19 जुलाई 2013 को जियनपुर कस्बा स्थित उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात व प्रदेश के टॉप 10 अपराधी ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह समेत उनके दर्जन भर सहयोगियों को नामजद किया गया था। इस मामले में जिला न्यायालय में फैसला आने वाला है। इसके पूर्व पुलिस व प्रशासनिक अमले ने भी कुंटू सिंह गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को पुलिस ने माफिया कुंटू सिंह के एक और सहयोगी संग्राम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई की। अपराध की कमाई से पत्नी के नाम दिलसादपुर में बैनामा ली गई आराजी नंबर 14 रकबा 2.96 हेक्टेयर को कुर्क किया गया। इस जमीन पर संचालित ईंट भट्ठा को भी सीज कर दिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 40 लाख बताई जा रही है। तहसीलदार सगड़ी अभिषेक कुमार सिंह, सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक टीम ने दिलसादपुर गांव में पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने पहले संग्राम सिंह द्वारा पत्नी कंचन सिंह के नाम से बैनामा ली गई जमीन की चौहत्ती नापी, फिर बोर्ड लगाकर उक्त जमीन को कुर्क कर लिया और डुगडुगी पिटवा कर उक्त कार्रवाई के बाबत लोगों को जानकारी दी। वहीं एक दिन पूर्व बुधवार को ही कुंटू सिंह गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। गैंग के दो सदस्यों मोहम्मद रिजवान और विजय यादव उर्फ सचिन के घर को कुर्क किया था। इन दोनों घरों से पुलिस सामान के साथ खिड़की दरवाजा आदि भी उखाड़ ले गई थी। वहीं लगातार दूसरे दिन भी कुंटू सिंह गैंग के खिलाफ कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह के साथ गैंगस्टर के सहअभियुक्त संग्राम सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, इस जमीन को आज 14 अप्रैल को जियनपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। यह कार्रवाई थाना जियनपुर पर पंजीकृत FIR 467/13 गैंगस्टर एक्ट के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित कर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात की गई है। संगठित अपराध व माफिया तत्वों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।